सो हेलो मेरे यारो, इट्स न्यू डे, इट्स न्यू लाइफ, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग्स। सो गाइस देखो नज़ारा है यहाँ का, गाइस चिटिंग का हाफ लॉन्ग फॉकी फॉक। सो गाइस इन दिस व्लॉग आई बी गोइंग टू डिफू, मेरा बाइक का पहला सर्विसिंग कराने, एक्चुअली 500 किलोमीटर्स पे पहला सर्विसिंग कराने का मेरा था, बट काम के कारण 598 हो गया गाइस। एंड अभी फिलहाल तो हेलमेट पे कुछ वो फोन माउंट का कुछ सिस्टम नहीं लगाया, गोप्रो भी नहीं है, सो फोन को हेलमेट पे ही, हेलमेट के अंदर ही मतलब अटका के अभी व्लॉग बना रहा हूँ। सो दिस व्लॉग इट्स गोना बी इन हॉरिजॉन्टल मोड, एंड आज व्लॉग बनाने में कुछ मतलब अलग ही मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है गाइस। बहुत सालों से मतलब मोटो व्लॉगिंग करने का मेरा मन था, बट बाइक नहीं था, मम्मी पापा का, भगवान का एंड आप लोगों का कृपा से अभी फाइनली मोटो व्लॉगिंग कर पा रहा है। एंड देखिए गाइस व्लॉग को एंड तक, फिलहाल तो ये आप हम लोग का जटिंग का व्यू को एंजॉय कीजिए। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा गाइस, कोहरा ही कोहरा। एंड राइट नाउ इट्स ऑलरेडी 3:30 गाइस, डिफू पहुँचते 6 बज जाएगा ऑलमोस्ट, आई गेस 6:30 बज जाएगा। सेफ जर्नी टू मी गाइस। गाइस आप सब बताओ मेरे को कि हम तो न्यू भी है, बाइक नहीं था पहले, बाइक उतना नहीं चलाता था, बाइक के बारे में उतना नॉलेज नहीं है मेरा। सो आप लोग बताओ मुझे कि व्हाट थिंग्स शुड आई टेक केयर ऑफ, हम डूज एंड डोंट्स। हाँ बाइक के लिए अच्छा अच्छा बात जो मुझे ध्यान रखना चाहिए टू टेक केयर ऑफ माई बाइक, जो मेरा बाइक लॉन्ग टर्म तक स्मूथली चले उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे कमेंट में बताओ गाइस। आप लोग बाइक एक्सपर्ट्स हो, मदद करो अपने बाइक को। अभी धीरे धीरे सब कुछ सामान खरीदेगा गाइस, लैप्स हो, राइडिंग गियर्स हो, विंड चीटर हो, सब कुछ खरीदेगा। सो आई एम बी गोइंग फॉर सो नाउ गाइस एंड राइडर्स एज वेल, आई बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, आई बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइस। बहुत दिनों से गाना वाना भी नहीं गाया गाइस, टाइम निकाले गाना वाना भी डाल देगा, सोच रहा है नया ऑफिस निकालने का, सोच रहा है कभी फ्रेश फ्रेश संतरा कटिंग आ गया गाइस, काफी मीठा होता है संतरी, इस तरह होता है सिलचार हरम बजाओ, इस तरह होता है गुवाहाटी मालबांग दिमापुर तरफ, कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन जा रही है गाइस इस तरफ, तो चटिंगा टू वो माहौर माहौर पार होता है एक्चुअली, तो फ्लोटिंग है इस तरह। तो मेरा फोन ना गिर जाए बस, जर्किंग करते समय ध्यान रखना पड़ेगा मुझे थोड़ा ऐसा जगह पे, नहीं तो मेरा फ़ोन जो है वो गिर जाएगा बस। लुक एट दिस गाइस, वाओ गाइस जंगली सनफ्लावर गाइस, जंगली सनफ्लावर गाइस, एक्सीडेंट हो गया गाइस, एक्सीडेंट गिर गया है नीचे। ऊपर उठ गया तो फोन मेरा फोन टू उछली हो रहा है, उसको लगा लगा कि अभी तक ग्लव्स नहीं लगाए मैंने। शाम हो गया, आई नीड टू रीच फास्ट, आई नीड टू जल्दी चलाना पड़ेगा गाइस, लेट्स गो लेट्स गो। आज
जश्न होने आई Guys, this is my bar. ये है पहली टूल गेट कि मैं वहाँ से निकलता हूँ. नामदिन से ड्राइवर से जगह दिखी थी और किस गया अभी सुनसान रोड का. तो फाइनली गाइस डिफू पहुंच गया एंड 7:30 राइट नाउ. सो ये जाएगा होटल पे. होटल एक्चुअली एडवांस ही बुक करके रख दिया मैंने, सिर्फ जाके चेक इन करना है अभी. काफ़ी ठंड लग रहा है गाइस अभी. कल करेंगे सर्विसिंग, मिलते हैं कल गाइस. आज नेक्स्ट दिन सभी जाएगा फ्रेश अप होके सीधा निकलेगा सर्विसिंग कराने. गाइस ये रूम, छोटा सा रूम, सिंगल रूम, ये मुझे पड़ा 800 रुपये है यहाँ पे. सो गाइस ये डिफू का एक छोटा सा रॉयल एनफील्ड शोरूम. एंड ये शोरूम के ठीक बगल में ही सर्विसिंग किया जाता है गाइस. एंड मेरा बाइक वहाँ है ऑलरेडी. सो फर्स्ट सर्विसिंग में मेरा एयर फिल्टर एंड इंजन ऑयल चेंज किया और चेन लूप किया, वही था फर्स्ट सर्विसिंग. एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 1,345 रुपीज़. सो यारो टाइम टू से गुड बाय टू डिफू. एंड It's 12 PM right now, guys. घर पहुँचते 3 या 3:30 तक बस जाएगा. सुबह से बस जस्ट अभी चिकन पुलाव खाया विच इज 50 रुपीज़ एंड या ट्रस्ट मी गाइस इट वॉज रियली गुड. डिफू क्लब के पास ही है, कभी आए तो ट्राई करना गाइस. तो यारो पहुंच गया मंदिर दिशा एंड अभी यहाँ पे एक छोटा सा मतलब रेस्टोरेंट है हम लोग का. यहाँ पे मंदिर दिशा के बिल्कुल पास ही है बोर्ड के पास. तो अभी कुछ खाने रुके, सुबह से कुछ नहीं खाया, सब बहुत ज़ोरों ज़ोरों से भूख लगा गाइस. यहाँ पे खाएगा उसके बाद मज़ा से फिर राइड करेगा घर जाएगा. राइट पे पार्क करके इंद्र रेस्टोरेंट से कुछ मस्त से फूल है पेट. अभी धीरे धीरे जाएंगे. लेट्स गो, लेट्स गो. 3 PM राइट नाउ. 5 बजे तक पहुंच जाने का बात है यार. अगर 5 बजे पहुंच जाता है तो आई गो टू वॉच CM's का पता बीच से ग्राउंड का हाफ मंथ. राइट, क्या मस्त व्यू आ रहा है सर. सनसेट हो गया अभी. मैंने भी अपना जैकेट लगा लिया, बहुत ठंड लग रहा था. इसे कोई नहीं गाइस, क्या कहूँ. और तो जा रहा है आप लोग और मैदान थोड़ी देर. ओ बाप रे बाप रे, थोड़ी फोन गिर जा सकता गाइस, भूल गया था हम फोन को अटैच करके. तो थोड़ी देर बाद मैदान पहुंच जाएगा. जस्ट एंजॉय दी व्यू गाइस, साथ साथ तुम भी एंजॉय करो, आप लोग भी एंजॉय कर सकते.
आप लोग सीएम कब का कहे पूरा भीड़ भीड़ काफी सारा लोग जमा होता है एक्चुअली यहाँ पे मैच देखने के लिए। सो गाइस इट वाज अ फन राइड, सोलो राइड के लिए कभी कभार जाना चाहिए, बहुत मजेदार एंड काफी स्मूथ है ये गाइस। एंड इट वाज अ फन राइड एंड इट वाज अ फन मैच टू। सो गाइस इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, टिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप राइडिंग, राइड सेफली एंड कीप गोइंग गाइस। गुड नाइट।